नमस्कार, मैं हूं बेबी कुमारी और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बड़ी खबर है। जमुई जिले के खेरा प्रखंड अंतर्गत अमारी पंचायत के डुमरकोला गांव में कृषि पदाधिकारियों के द्वारा फसल सहायता योजना अंतर्गत वीडियो कृषि पदाधिकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने धान फसल कटनी का शुभारम्भ किया। मौके पर प्रभारी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी अरशद शरीफ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा, सहायता योजना अंतर्गत प्रत्येक कृषि वर्ष में धान, गेहूं, मक्का पर पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। यह गहनी धान, रवि, गेहूं एवं भदई मकई तीन फसल बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत अधिसूचित है। प्रत्येक पंचायत में यह कटनी प्रयोग कराया जाता है प्रत्येक मौसम में और इसके उपज दर आकलित कर उत्पादन निकाला जाता है। मंशा यह है कि छोटे स्तर पर अगर कटनी प्रयोग कराया जाए तो उसकी गुणवत्ता काफी बढ़ जाती है, इसलिए पंचायत स्तर पर इसको लागू किया गया है। पंचायत स्तर पर किसानों को नुकसान हुए फसलों का लाभ दिलाने के लिए इस प्रकार की योजना है। रिपोर्ट विजय कुमार, जमुई। इससे उपज दर आकलित कर उत्पादन निकाला जाता है। यह प्रत्येक पंचायत स्तर पर होता है। निम्न स्तर पर, पंचायत स्तर पर इसको करने का उद्देश्य यह है, सरकार की मंशा यह है कि छोटे स्तर पर अगर अधिक संख्या में कटनी प्रयोग कराया जाए तो उसकी गुणवत्ता काफ़ी बढ़ जाती है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए पंचायत स्तर पर इसको यह लागू किया गया है। और पंचायत स्तर पर किसानों को नुकसान हुए फसलों का लाभ दिलाने के लिए भी यह पंचायत स्तर पर किया जाता है, ताकि पर्टिकुलर पंचायत को, हो सकता है कि किसी पंचायत में नुकसान ना हुआ हो, किसी पंचायत में अधिक नुकसान हुआ हो, तो यदि प्रखंड स्तर पर इसका आकलन करेंगे तो जिसको कि अधिक नुकसान हुआ उसको भी कम मिलेगा मुआवजा, और जिसको नहीं नुकसान हुआ उसको भी मुआवजा मिल जाएगा। इसलिए यह पंचायत स्तर पर करना ये सरकार की एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि पंचायत स्तर पर ही सभी किसानों को लाभ मिल सके। यह प्रयोग 10 मीटर गुने 5 मीटर क्षेत्र, जो कि 1.25 डिसमिल के बराबर होता है, उसमें किया गया, और इसके द्वारा प्राप्त अनाज को वेट करके, इसको नाप के इसका उपज दर लिया जाता है, और इसके आधार पर जितने भी पूरे राज्य में जितने भी फसल लगे हुए हैं, चूँकि यह प्रत्येक ज़िला में, प्रत्येक पंचायत में यह कटनी प्रयोग होता है, तो जिस भी प्रखंड में, जितने क्षेत्र में धान की खेती की गई है, इस कटनी प्रयोग के आधार पर एक एवरेज उसका निकाला जाता है और उसका उत्पादन का आकलन किया जाता है, और यह उत्पादन का आकलन राज्य सरकार सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कर भारत सरकार को प्रेषित करती है, और भारत सरकार इसी से अनुमान लगा लेती है कि हमारे यहाँ कितना इस साल इस मौसम में धान की खेती हुई थी और कितना उपज होने की संभावना है, उसके आधार पर सरकार खाद्य नीति का निर्धारण करती है। धन्यवाद। अगहनी धान फसल के कटनी प्रयोग का निर्धारण हमारे इस खैरा प्रखंड के डुमरकोला ग्राम में किया गया। इस फसल कटनी प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारी पैदावार इस कृषि वर्ष में कितनी हुई और इसका जो डाटा होता है उसको भारत सरकार को भेजा जाता है। इस फसल पैदावार के अनुमान पर ही हमारा कृषि सांख्यिकी विभाग अपने राष्ट्र के प्रति जो उपज हुआ इसका निर्धारण करते हैं, और इस फसल को, धान फसल को फसल बीमा सहायता योजना में भी लिया गया है। उसी क्रम में आज यहाँ पर जो देख रहे हैं कि फसल कटनी 10x5 के एरिया में किया गया, इसका हम लोग अभी जो पैदावार हुआ है उसका झड़ाई करेंगे, उसके बाद उसका वजन करेंगे और हम लोग विभाग को भेजेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? बुल्लू जाला। कैसा फसल हुआ इस साल का? फसल तो देखो, देखिए ले लो, आपके हम तो कैसा सब बीमारी लगा। कुछ फायदा वायदा होबो है कि ना होबो है? फायदा और नुकसान अब करते तभी ना, नहीं तो लगले है। सरकार से, जिला प्रशासन से कुछ मदद मिलो है करने? अब कैसे कहिए, हम मिले दवा तभी। तो तोहरा कुछ मिल रहा है कि नहीं? किसान किसान हो, तोहरा कुछ मिल रहा है कि नहीं? मिला था ना प्रधानमंत्री, मिला है पीएम से, प्रधानमंत्री मिला है किसान का,
क्या मिला है आपका सरकारी योजना जो बिहार सरकार का है? किसान जो सम्मान योजना इस 6,000 का सालाना हम लोग को मिल रहा है डुमरकोला के सारे किसान को। अच्छा। और हम लोग का खेती में इस साल बढ़िया वृद्धि हुआ, फसल हुआ, थोड़ा बीमारी हल्का लग गया, नुकसान हो रहा है, लेकिन फसल ठीक ठाक है पूरे डुमरकोला में किसानों का धान का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार यादव हुआ, डुमरकोला का रहने वाले हैं, किसान हूँ मैं। और सरकारी लाभ जो कृषि विभाग से आता है तो किसान सलाहकार इंजीनियर सब मिलके जो है हम लोग को जानकारी देता है। अच्छा। कि आपका जो है अब चना लगाने का बाद दिया गया चना का अनुदान वाला फॉर्म भरिए। अच्छा। मतलब जो हम लोग को बेनिफिट मिलता है, गेहूँ का जो नुकसान होता है मर जाता है उसका भी मतलब जो है मुआवजा सरकार की ओर से मिलता है। किसान सलाहकार घर घर जाके जागरण करता है मतलब जाए।